दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नूर परवीन कुकिंग में। दोस्तों आज बनाएंगे शाही टुकड़ा टोस्ट का। बिल्कुल ही झटपट में बनेगा आपको, बहुत ही आसान तरीके से। जब भी मीठा कुछ खाने का घर पे इच्छा करे तो आप इसको बना सकते हैं। मैं इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है खुर्शीद आलम। दोस्तों तो चाशनी को हम शाही टुकड़े को हमने निकाल लिया एक प्लेट में। अब इसको गार्निश कर देते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप चाहें तो कोई भी फूड ले सकते हैं इस पे, बट मैं इसको करूँगा कोकोनट से। दोस्तों घर पे अगर मेहमान झटपट आ जाएं तो आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक काट कर देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंची हमारा बना हुआ है। देखिए बहुत ही बिल्कुल मार्केट जैसा, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। दोस्तों आज बनाएंगे झटपट शाही टुकड़ा। तो इसके लिए हमने रख दिया है कढ़ाई, और इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी। देखिए इस कटोरी को मैनेजमेंट किया है। और इसमें डालेंगे आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। ये झटपट शाही टुकड़ा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको बिल्कुल धीमे आंच पे इसको अच्छी तरह से चीनी गला लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल धीमे आंच पर हमारा चाशनी तैयार हो रहा है। दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये चाशनी पकने में 2-3 मिनट लगेगा। आप झटपट मिठाई खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं अपने घर पे बहुत ही आसानी से। एक टोस्ट का शाही टुकड़ा है, बस चाशनी बनने में टाइम लगेगा। उसके बाद इसमें एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे टोस्ट को इसमें। इसको बिल्कुल स्लो आंच है इसका, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। इसको अच्छी तरह इसी तरह पकाएंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो हमारी चाशनी जलने का भी डर रहता है, फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब ये चाशनी में एक उबाल आने लगा है हल्की हल्की। दोस्तों ये चाशनी पक रहे है, इसी में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये रेड फूड कलर है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें, नहीं तो स्किप करते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है इसको डालना। अब ये चाशनी बिल्कुल हमारी लगभग पक कर तैयार होने ही वाली है। देखते हैं कई सेकंड और लगेगा। तो दोस्तों ये चाशनी चेक कर रहे हैं, देखिए जब ऐसे चिपचिपाने लगे, देखिए चिपचिपाहट आ गई है। अब ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। दोस्तों ये हमारा बनकर बिल्कुल चाशनी तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम डिप करेंगे। देखिए ये मार्केट से हमने टोस्ट ले लिया था और इसको डिप करेंगे। देखिए इसको इसी तरह एक एक डाल देंगे, जितने आ जाएंगे हमारे कढ़ाई में उतना हम डाल लेंगे।
इसको दोनों तरफ से खूब अच्छी तरह से डिप्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस पलट कर इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह करके एक एक निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। अभी दिखाते हैं आपको, देखिए इसी तरह करके हम डिप करके सभी को एक एक करके निकाल लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फिर मिलते हैं कभी एक नेक्स्ट भी रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।